बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आप साथ में। आपको भाई ये खबर से एक वीडियो यानी कि आप साथ यानी कि शेयर कर देता हूँ, इससे अपडेट कर देता हूँ। जो मेरे भाई किसी से लिफ्ट ले लेते हैं, ये ऐसे उधर जाना यार मुझे थोड़ा छोड़ दो, बंदे को जानते भी नहीं है, आपके लिए भी है। और जो मेरे ड्राइवर भाई यहाँ पर ड्राइविंग वगैरह करते हैं वो तो इस ऐसे मसाइल को बखूबी जानते हैं। बहुत से भाई ऐसे मसाइल से दो चार भी हो चुके हैं। पर वीडियो क्या है, मुंतका जिजान से ली गई वीडियो है। और मुंतका जिजान से मैं आपको बता दूं कैसे वाकयात बहुत देखने को मिलते हैं यहाँ पर। जो इनकी भाई CID जिसे भाई मुबैस बोलते हैं वो बहुत तेज है, ये भी है। और यहाँ पर जो शुरते इन लोगों ने छोड़े होते हैं ना, ये अस्करी वाले, वो गाड़ी को देख कर ही समझ जाते हैं कि गाड़ी के अंदर क्या है, ये भी अपने जहन में रखिएगा। ये उसके मतलब यहाँ पर आपको पिक्चर मैं और वीडियो भी अभी दिखाता जाऊंगा साथ में। हुआ कुछ यूं है कि भाई आपको मैं अपना भी किस्सा सुना देता हूँ। ये टॉप ऑफ द फीफा के ऊपर हम गए हुए थे। टॉप ऑफ द फीफा भाई जानते हैं, यमन बॉर्डर से थोड़ी देर पहले ही आता है, एक पहाड़ी है, सऊदी अरब का खूबसूरत गाँव है। मैं अपनी वीडियो में अक्सर आपको दिखाता भी रहता हूँ। ये गाड़ी शुरतों ने पकड़ी है जी एक बंदे के साथ। अच्छा, इसमें हुआ क्या, 107 किलो हशीश पकड़ी गई है इसके अंदर से। 107 किलो हशीश पकड़ी गई है, यानी कि चर्स बोल रहे हैं आप। गाड़ी का पिछला जो डाला है जी, उसको जब यहाँ पर आपको वीडियो भी दिखा रहा हूँ मैं, उसको डाले के अंदर इन लोगों को थोड़ा महसूस हुआ है। उसको इन लोगों ने काटा है, काट कर उसका पल्ला ऊपर उठाया तो नीचे से मिली है। दूसरे नंबर बात यह है कि भाई हम टॉप ऑफ द फीफा के ऊपर एक दफ़ा ऐसे घूमने के लिए गए हुए थे गाड़ी में ही, तो वो आर्मी ने हमको रोका है, हमारी तरफ देखा है तो बोला पाकिस्तानी, हमने बोला हाँ पाकिस्तानी बोलता कोयस है। तो वो क्यों भाई, उनको पता है कि ये ऐसे फर्द ऐसा काम जल्द नहीं करते हैं, ऐसा काम सिर्फ वो यमनी अफराद या कोई और ही कर सकता है। तो बहरहाल हमारी गाड़ी की तरफ उस बंदे ने जैसे नज़र दौड़ाई ना, तो वो बात करने का मकसद आपके साथ यही है कि वो जब गाड़ी की तरफ नज़र दौड़ाते हैं उसी टाइम समझ जाते हैं। अभी 107 किलो इसने हशीश पीछे डाले में पैक की हुई है, तो गाड़ी के टायरों से क्या पता नहीं चलता होगा या गाड़ी से फील नहीं होता होगा उनको कि इस गाड़ी में लोड ज़्यादा है, बंदा तो एक बैठा हुआ है। तो इसी चीज़ को देखते हुए इसको रोका गया और इसको बाद में पकड़ लिया गया है।